दोस्तों, केंद्र सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि यात्रियों की मांग है कि दशहरा उत्सव से पहले मैसूर बेंगलुर विस्तारित राजमार्ग को खुला घोषित किया जाए। इसलिए मैसूर बेंगलुर राजमार्ग को 10 लेन का बनाने का काम अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 275 का बेंगलुर निट्टाघट्टा मैसूर खंड 117 किलोमीटर लंबा है और इसे 8,350 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले यात्रा में जो समय 3 घंटे का समय लगता था, वह घटकर मात्र 75 मिनट हो जाएगा। गडकरी ने भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और समृद्ध तरीके से मैसूर हाईवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजना में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। गडकरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त प्रगति हुई है। राजमार्ग निर्माण दर में 3 गुना वृद्धि एवं अभूतपूर्व उपलब्धि है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इस तरह की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना की बड़ी जिम्मेदारी के साथ घोषणा की गई है और उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और समृद्ध तरीके से पूरा करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। गडकरी ने कहा कि इस अत्याधुनिक परियोजना में 8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, 9 प्रमुख पुल, 42 छोटे पुल, 64 अंडरपास, 11 ओवरपास, 4 आरओबी और 5 बाईपास जैसी कई संरचना हैं, जो यातायात की भीड़ को कम करेगी और प्रदूषण को काफी कम करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी और नितिन गडकरी ने 24 मार्च 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। इस राजमार्ग से जुड़े सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि एक बार तैयार हो जाने पर ये राजमार्ग परियोजना इस इलाके के लिए एक गेम चेंजर परियोजना साबित होगी। नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के कर्नाटक चैप्टर के अध्यक्ष एम सतीश कुमार के अनुसार मैसूर योग उद्योग, पर्यटन और आउटडोर फिल्म शूटिंग का केंद्र है। इससे मैसूर जाने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।